हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट शीट का टॉपिक। पहला क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉस्ट शीट से स्टार्टिंग क्यों? देखो, कॉस्ट शीट के बगैर कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर, इवन बहुत सारे टॉपिक आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे हैं। लाइक सिंगल यूनिट कॉस्टिंग की बात करिए या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करिए, वो कॉस्ट शीट के बगैर हो नहीं सकते। तो कॉस्ट शीट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत आराम से सुनना, साथ में नोट्स बनाते चलना। CNTMT की क्लासेस में आपको बहुत पेशेंस और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। स्टार्ट करते पहले पॉइंट से। तो जब हम बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट की ज़रूरत क्या पड़ती है, जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, बेसिक सा कंसेप्ट था, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करके बता देना था, दैट्स इट। बट जब कॉस्ट अकाउंटिंग आती है तो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है पर यूनिट कॉस्ट क्या रही। सर, कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए? पर यूनिट कॉस्ट। रीजन बिंग, अगर आपको किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको उस प्रोडक्ट की क्या पता हो, पर यूनिट कॉस्ट, तो आप उसके सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओगे। और इसी पर्पस की वजह से हमारे पास बिजनेस में जो एक्सपेंसेस होंगे वो बेसिकली दो नेचर के होंगे। जब भी हम एक्सपेंस की बात कर रहे होंगे तो जो सबसे फर्स्ट एक्सपेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस, और सेकेंड जो एक्सपेंस होगा ऑब्वियस सी बात है उसको हम कह रहे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से ही पता है, अच्छी बात है, जो चाहिए बताता चलो, बहुत ध्यान से सुनना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस। अब अगला पॉइंट सुन लो आप, डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस को हम लोग बेसिक एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है जी, बेसिक एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस को हम लोग ओवरहेड एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस का मतलब आसान भाषा में ऊपरी खर्चे। इसका सीधा सा मतलब है वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे थे, बट बिना उनके प्रोडक्ट की सेलिंग पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो जरा चेक करते हैं, हम जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होंगे ना, कॉस्ट शीट बनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है, हम ये समझ पाएं कि कहां पर कौन से खर्चे हुए हैं और किन खर्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल, जब भी एक्सपेंसेस की बात आएगी तो हमेशा ध्यान रखो एक्सपेंसेस दो नेचर के होंगे, कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और वो दो नेचर कौन से होंगे? सबसे पहला फिक्स एक्सपेंस। अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो, चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चीप रेट पे होते हैं। रीज़न क्या है? अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर चलता कहाँ है। नहीं जी, मैं इस बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में। फिक्स एक्सपेंस होगा और वेरिएबल एक्सपेंस होगा। तो जरा समझो, ऐसे खर्चे जो फिक्स्ड हैं, एग्जाम्पल रेंट, आप प्रोडक्शन करो या ना करो फैक्ट्री को रेंट पे करना ही पड़ेगा। बट अगर हम बात करते हैं वेरिएबल खर्चों की, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट या फिर पैकेजिंग चार्जेस या फिर सैलरी या फिर वेजेस, ये वो खर्चे हैं जो वेरिएबल हैं। ये वेरिएबल है मतलब ये कभी भी फिक्स नहीं होंगे, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन नील है तो भी फिक्स एक्सपेंस आपको पे करना पड़ेगा, बट अगर आपका प्रोडक्शन नील है तो वेरिएबल एक्सपेंस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो अब चाइना का प्रोडक्ट सस्ता क्यों होता है? लॉजिक एक ही है, वहाँ पे वो फिक्स एक्सपेंस को ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल लेके चले जाते हैं। कैसे पॉसिबल है देखो जरा, एज्यूम कर लो आपने क्या करा, 10,000 रुपीज़ आपके फैक्ट्री का रेंट है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हालांकि रेंट बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपने क्या करा 10,000 पर यूनिट प्रोडक्शन कर डाला, ठीक है जी, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो पर यूनिट क्या रेट आ रहा है? 1 रुपीज़। अगर आपने इसको बढ़ा के 1,00,000 यूनिट कर दिया तो आपका रेंट पॉइंट में चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या करा, फिक्स एक्सपेंसेस को हमने रिड्यूस कर दिया, और यही स्ट्रेटजी यूज़ करता है चाइना। अब इंडिया के प्रोडक्ट्स महंगे क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम क्वालिटी पर काम करें। नहीं, बात यहाँ पर क्वालिटी की नहीं है, बात हम अपने फिक्स एक्सपेंसेस को लेस कर पा रहे कि नहीं। अगर लेस कर पा रहे तो आप ऐसे समझ जाओ, एक लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले हैं, जब वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत महंगा बेचते हैं, बट जब कोई वही ब्रांड, कोई आउटलेट जैसे मैकडी या कोई भी हो गया, वो जो प्रोडक्ट बना रहा था वो चीप रेट पे बनाता है। चक्कर क्या है इसके पीछे? वो अपने फिक्स एक्सपेंसेस को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है, तो वो जो भी पैसे ले रहा है ना वो उसके लिए प्रॉफिट का ही वर्क करते हैं। अब जरा देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने यहाँ दो पॉइंट्स बोले हैं, बेसिक कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमेशा ध्यान रखो, हमें किन चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहला हमें वर्क करना होगा मटेरियल पर, सेकंड नंबर पे हमें वर्क करना होगा लेबर पर, और थर्ड नंबर पे हमें वर्क करना होगा अदर एक्सपेंसेस में। सेम एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहाँ पे भी सेम होगा मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। अब जब बात आती है आपके ओवरहेड्स की, देखो ओवरहेड्स के कुछ टाइप्स हैं।
आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझनी होंगी कि हम जब भी बात करेंगे प्रोडक्शन की तो दो ही नेचर हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। डायरेक्ट नेचर में क्या होगा, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। डायरेक्ट प्रोडक्शन में जो मटेरियल आ रहा है वो रॉ मटेरियल होगा। यस, इस बारे में डिटेल कर देता हूँ आपको। हम जब भी स्टॉक पढ़ते हैं, स्टॉक की बात कर रहे होते हैं, तो लाइक हम जब अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे तो हम बोलते सर कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक बात है। बट जब यहाँ स्टॉक पढ़ रहे हैं तो हमें तीन स्टॉक पढ़ने पड़ेंगे। पहला स्टॉक होगा हमारा रॉ मटेरियल, जो हमने परचेज करा हुआ है किस पर्पज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। सेकेंड नंबर पर हमारा होगा वर्क इन प्रोग्रेस, और ये वो स्टॉक है जो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होने वाला है फिनिश गुड्स में। थर्ड नंबर पर हम वर्क करा रहे होंगे फिनिश स्टॉक को, ठीक है जी। ये हमारे पास तीन स्टॉक है। अब अगर हमारा नॉर्मल जो स्टॉक होता था जो हमने फाइनेंशियल में पढ़ा वो बेसिकली हमारा फिनिश गुड्स हुआ करता था, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें वर्क करानी पड़ेंगी, पहला ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। सेम एज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर भी सेम रखना है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कौन सा स्टॉक ओपनिंग या क्लोजिंग कहाँ पर वर्क करेगा। तो जरा समझो, यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या करा, मटेरियल बना लिया। इस बेसिक कॉस्ट को कई बारी प्राइम कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इवन जब आप न्यूमेरिकल अप्रोच यूज़ करोगे तो वहाँ पे इसे प्राइम कॉस्ट ही बोलना है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करेगा। अब मैंने आपसे बोला प्रोडक्शन हो चुका है, अब कुछ ऊपरी खर्चे करने। ऊपरी खर्चे क्या होंगे, प्रोडक्शन करने के बाद जरा सोचो कंपनी को क्या करना है। मैंने आपसे बोला ना प्रोडक्शन एक बार होगा, अब इसके बाद हमें ये चेक करना है फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे हुए हैं। तो हमारा पहला ओवरहेड कौन सा होने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड। सेकंड, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो चुका है, अब कहाँ पे हमें वर्क कराना होगा, ऑफिस में। तो सेकंड ओवरहेड हमारा हो जाएगा ऑफिस का। अभी ऑफिस वाले कैलकुलेशन कर लेंगे, अकाउंटिंग डेटा मेंटेन कर लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे हमें कहाँ सेल करना है, शोरूम पर, इसको हम बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इस तरीके से हमारा प्रॉपर एक बन जाएगा कॉस्ट शीट। कैसे बनेगा वो बताता हूँ। तो आपको एक बात अभी तक इस पूरे ओवरव्यू में समझ में आई, हमें कॉस्ट शीट बनानी क्यों है, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। पर यूनिट कॉस्ट निकालना क्यों ज़रूरी है, जिससे हम क्या डिसाइड कर सकें, सेलिंग प्राइस। आई होप ये समझ में आ रहा है। अब जरा देख लेते हैं कॉस्ट शीट कैसे बनेगी। तो आपको ना कुछ बेसिक टर्म्स समझने होंगे। क्या बेसिक टर्म है सर, वो चेक कर लेना, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है जी। अब जरा कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स आपको ये सुनना और समझना है कि कॉस्ट शीट जब हम मेंटेन कर रहे होंगे ना, तो हमें कुछ बेसिक टर्म पर डिस्कशन करना होगा। एग्जांपल के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। मैंने भी आपको बोला था स्टॉक तीन टाइप के होंगे, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। तो आपको पहले यहाँ समझाता हूँ, जब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल की तो वो यूज़ हो जाएगा प्राइम कॉस्ट में, WIP की बात करेंगे तो वो यूज़ हो जाएगा आपका लाइक वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में, और हम जब बात कर रहे होंगे फिनिश गुड्स की तो वो यूज़ हो जाएगा आपका ऑफिस में। करके दिखाता हूँ कैसे करने, बीच का शॉर्टकट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्वेश्चन, हम लोग हमेशा स्टार्टिंग करनी, हमें कुछ पॉइंट्स पहले लिख देता हूँ जो आपको कैलकुलेट करने हैं। देखो पॉइंट नंबर वन, जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी थी उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, हमें सबसे पहले निकालना होगा प्राइम कॉस्ट, देन आफ्टर हमें निकालना होगा वर्क कॉस्ट, इसके बाद हमें कंप्यूट करना होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। यहाँ से आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट जो बात हो रही है। पॉइंट नंबर फोर पर हमें कंप्यूट करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एट द एंड हमें कंप्यूट करना होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा सर, बहुत ही सिंपल है, हमें सेल्स निकालनी होगी। अगर क्वेश्चन में सेल्स फाइंड आउट करने को बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बोल रहा है तो सेल्स क्वेश्चन में गिवन होगी। ये इतना काम हमें करना है। कैसे होगा, कॉस्ट शीट के थ्रू देख लेते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे, माइंड में सेटअप रखो हमें कंप्यूट क्या करना है। तो लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। आपको लग रहा होगा, अभी फील आ रहा होगा ना यार, CA इंटरमीडिएट वाली क्लास चली, बहुत ही पेशेंस से बता रहे हैं सर। हाँ जी ऐसे होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये वैल्यू लिख लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। देखो क्या होगा, बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक रहता है, लेकिन क्या उतने ही रॉ मटेरियल से आप पूरा प्रोडक्शन कर दोगे, आंसर है नहीं। क्या करोगे, आप कुछ आउटसाइडर से कुछ स्टॉक परचेज करोगे रॉ मटेरियल के फॉर्म में। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, अब आप क्या करोगे सर, आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है बहुत ही ऑब्वियस है कि अपने कंधे पे उठा के नहीं लाने वाले हम। क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं ना लिया चल चलते नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग उस स्टॉक को परचेज करने के बाद हम उस पर कुछ कैरिज फ्रेट या कार्टेज पे करेंगे। तो हम ऐड कर ले रहे हैं प्लस कैरिज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
ठीक है जी, इतनी चीज़ें हमने कर ली ऐड। अभी देखो ये सारा ऐड हुआ, आप कैसे पता लगाओगे हमारे खर्चे हुए? बहुत ही बेसिक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरी ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सिंपल है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एज इट इज़ कर देना। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स आता है, पॉइंट जहाँ देखो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, यहाँ पे कॉलम और बना लेंगे जिसे हुआ क्या, यहाँ पे हम डिटेल कवर कर लेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर कॉलम बनना ही है। चलिए आगे समझते हैं अभी। तो यहाँ पे वैल्यूज हम लिखेंगे, सारा ऐड करेंगे, लेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। जो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल कंज्यूम। इसको ना बहुत इजीली समझना, आपके पास क्या था, 5 चॉकलेट्स थी, आपने 3 परचेज करी, अराउंड 8 हो गई, और आपको लाइक उस पर लाने पे तो कोई खर्च नहीं होगा, फिर आपने यहाँ पे 2 आपके पास रिमेन है, तो आपने कितना कंज्यूम करा, ऑब्वियसली बात है 6 कंज्यूम करा। अब ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग वैरी करेगा। मटेरियल कंज्यूम आने के बाद सिंपल सा वर्क होगा, हम इसमें ऐड कर लेंगे जो भी डायरेक्ट खर्चे, मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस दो टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग प्राइम कॉस्ट या बेसिक कॉस्ट बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी मटेरियल कंज्यूम हम ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट लेबर एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये 3 चीजें ऐड करेंगे और इन 3 वैल्यूज को ऐड करने के बाद अब जो वैल्यूज आएगी, इस वैल्यू को इसमें ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, इसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, प्राइम कॉस्ट। बहुत आराम से समझना, रीज़न ये है कि ये जो चैप्टर होगा ना, इस टॉपिक को समझने के बाद आप सिंगल यूनिट कॉस्टिंग को बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे, इवन रिकंसिलेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा। प्राइम कॉस्ट आ गया, सर अगला स्टेप क्या होगा? देखो प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद आपको 3 स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला स्टेप लिखेंगे, इसको प्रॉपरली लिखना होगा हमें कि अब हम क्या कंप्यूट करने चल रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों को, एक प्रोडक्ट्स है बाय प्रोडक्ट्स और दूसरा प्रोडक्ट है स्क्रैप, तो कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं और उसको कहीं भी कंप्यूट कर देते हैं। ध्यान रखना मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो, स्क्रैप का प्रोडक्ट अगर है तो उसका कंप्यूटेशन फैक्ट्री ओवरहेड में होगा और वो भी माइनस करेंगे, बाई प्रोडक्ट्स आपका रॉ मटेरियल में चला जाएगा। बाई प्रोडक्ट्स यहाँ दिखा सकते हो लेस करके, और स्क्रैप प्रोडक्ट अगर क्वेश्चन बोल रही, इसको समझ लो, कोई भी प्रोडक्ट स्क्रैप कब होगा, आफ्टर प्रोडक्शन ना, तो पहले हमें यहाँ प्रोडक्शन करना होगा, आफ्टर दैट आप स्क्रैप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आप फिलहाल फैक्ट्री ओवरहेड पे आते हैं। फैक्ट्री में कौन से खर्चे होंगे सर? बहुत ही ऑब्वियस है, देखो जो भी आपको ना फैक्ट्री रेंट समझ में आ रहा है, फैक्ट्री लाइटिंग समझ में आ रही है, इन शॉर्ट अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के हेड दिमाग में है मेंशन करो, फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा सर वेजेस वेजेस वेजेस, सर लेबर लेबर, नहीं उसको नहीं लिखना, फैक्ट्री रेंट हो जाएगा, फैक्ट्री लाइटिंग हो जाएगी, इवन फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चे अगर आपको पढ़ के लगता है फैक्ट्री के खर्चे हैं लिखो। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, मैंने बताया था स्टॉक में 3 वैल्यू चलेगी, कौन कौन सी, WIP जो भी आप लिख के बताया था वो, लाइक रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स। तो जैसा कंपटीशन था सेम करेंगे, ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बट आपको पूरा लिखना होगा, माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये काम कर लेना है। इसके बाद अब जो वैल्यूज आपकी आएंगी, उन वैल्यू को क्या बोल रहे होंगे सर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या कंप्यूट होगा आपने यहाँ कर रखा है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हम क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट। ठीक है जी, वर्क कॉस्ट हमारा कंप्यूट हो गया। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वर्क कॉस्ट कंप्यूट करने के बाद जो अगला लेवल हम चलेंगे वो किसके लिए होगा, ऑफिस के लिए होगा सर। तो चलो चेक कर लेते हैं ज़रा, वर्क कॉस्ट आने के बाद अगला स्टेप होगा हमारा ऑफिस। तो पहले हमको हेड बनाना होगा, ऑफिस ओवरहेड। ठीक है जी, अभी ऑफिस ओवरहेड में अगेन सेम सिचुएशन है, फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री में लिखे तो ऑफिस के खर्चे ऑफिस में लिखो, मतलब साफ यहाँ फैक्ट्री रेंट था तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑफिस रेंट हो जाएगा सर। यहाँ पे फैक्ट्री लाइटिंग थी तो यहाँ क्या हो जाएगी, ऑफिस लाइटिंग हो जाएगी। इवन अगर आपको कोई भी हेड इनडायरेक्ट नेचर का लग रहा है आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ऑफिस का लग रहा है तो मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट। WIP यहाँ चला गया, रॉ मटेरियल यहाँ चला गया, तो क्या बचा सर, फिनिश स्टॉक ना, फिनिश स्टॉक को शो करो। कैसे करोगे, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी, ऐड कर लेंगे, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से लाइक देखो आपका यहाँ तक की वैल्यू में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो प्रोडक्शन में से इसको ऐड करके इसको लेस करोगे, अब जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद अगले स्टेप हमें क्या चलना है, यहाँ लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस या सेल्स। क्वेश्चन में गिवन होगी तो आपको इसको एज्यूम करना होगा बी और इसे एज्यूम करना होगा ए। प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू बी माइनस ए। सिंपली सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इजी लैंग्वेज में आपको ध्यान होगा एक फॉर्मूला होता था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी दी हुई है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब एज्यूम करो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट इधर लाओ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वही कर रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो रही कॉस्ट शीट की बात, जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये आता है कि सर क्या इसमें सारा ऐसा बेसिक ही दिखेगा, डेफिनेटली बेसिक दिखेगा। क्वेश्चन आता है वो एडजस्टमेंट कैसे वर्क कराना है, बहुत ही बेसिक सी नीड होगी, एडजस्टमेंट दिए होंगे तो आपको स्टॉक पे इफेक्ट करना है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एडजस्टमेंट इंक्लूड करके और एक टॉपिक भी लूंगा जहां न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए आपके लिए सिंपल सा टास्क है, कॉस्ट शीट कवर करो। आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने आपका डिफरेंट ग्रुप बना हुआ है वहां आज आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी मिलेगा और कुछ टॉपिक मिलेंगे एडजस्टमेंट से रिलेटेड, उनको चेक करना और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आज ही आके बताना कि क्या कॉस्ट शीट हो गई कि नहीं। और एक काम, आपके लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉस्ट शीट मैंने जैसे भी आपको समझाया एज इट इज़, एक बार ये आपने समझ लिया कॉपी कर ब्लैंक पेज ओपन करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, पूरी की पूरी कॉस्ट शीट बनाओ, आपको समझ आना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन रोल प्ले करेगी आपकी कॉस्ट शीट। होप फॉर द बेस्ट, मिलता हूँ कल की क्लासेस में, तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए।